नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। ओडीआई क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेल के सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट में से एक है। हर 4 साल में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप का आयोजन करती है, जिस वजह से इस फॉर्मेट की अहमियत काफी बढ़ जाती है। वैसे हर एक खिलाड़ी के लिए अपनी टीम की कप्तानी करना काफी सौभाग्य की बात होती है। वैसे टीम की सफलता या फिर विफलता के पीछे भी कप्तान का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। कुछ एक खिलाड़ी इतिहास में ऐसे भी हुए जिन्हें टीम की कप्तानी करने का मौका तो मिला, लेकिन वो अपनी असफलताओं की वजह से ज्यादा दिनों तक टीम की कप्तानी नहीं कर पाए। लेकिन इसके उलट कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हुए जो इतने शानदार रहे कि उनकी कप्तानी में टीम ने भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिस वजह से उन्होंने अपनी टीम की कप्तानी भी काफी लंबे वक्त तक की। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा वक्त या फिर सबसे ज्यादा मैचों में टीम की कप्तानी की है। एलन बॉर्डर इस लिस्ट में नंबर 5 पर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज एलन बॉर्डर 1985 से 1994 तक ऑस्ट्रेलियाई वनडे टीम की कप्तानी कर चुके हैं। उनकी कप्तानी में टीम ने 178 वनडे मैच खेले, 107 मैच में जीत मिली, 67 मुकाबले हारे, 1 मैच टाई रहा, 3 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। नंबर 4 पर नाम है श्रीलंका के दिग्गज खिलाड़ी अर्जुन रणतुंगा का। श्रीलंका ने अभी तक मात्र 1 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और यह खिताब उन्होंने इन्हीं की कप्तानी में साल 1996 में जीती है। रणतुंगा ने 193 मैचों में श्रीलंकाई टीम की अगुवाई की, 89 मैच में जीत मिली, 95 में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 1 मैच टाई रहा और 8 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी भला इस लिस्ट में कहां पीछे रहने वाले थे। वो इस लिस्ट में 3रे नंबर पर है। धोनी ने 2007 से 2018 तक टीम इंडिया की कमान संभाली। धोनी ने 200 वनडे मैचों में टीम का नेतृत्व किया, 110 में जीत मिली, 74 में हार, 5 मैच टाई रहे और 11 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। 218 वनडे मैचों में न्यूजीलैंड की कप्तानी करने वाले स्टीफन फ्लेमिंग इस लिस्ट में 2रे नंबर पर काबिज है। उनकी कप्तानी में 98 मैच न्यूजीलैंड की टीम ने जीते, 106 मैच में हार का सामना मिला, 1 मैच टाई रहा और 13 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला। लिस्ट में टॉप पर विराजमान है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान रिकी पोंटिंग। रिकी पोंटिंग वनडे में सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले खिलाड़ी। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 2 बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। पोंटिंग ने 230 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 165 मैचों में जीत मिली, तो वहीं 51 मैचों में पोंटिंग की कप्तानी में टीम को हार मिली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।